मोरू नाम है नेपाल कुमार नायक, HMS सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय स्वारीजोर ब्लॉक लेफ्रीपड़ा। इस स्टूडियो रे उपस्थित समस्त छात्र छात्री शिक्षक शिक्षयित्री समस्त को स्वागत। आज आम षष्ठ श्रेणी जनसंख्या तो किसी अभ्यास करवा गणित पाठ रे समस्त छात्र छात्री को अनुरोध करा से माने निजरो खाता एवं कलम धरी प्रस्तुत हुंतु। मैंने आगर भग्न संख्या विषय जानी छो किपर भग्न संख्या सृष्टि हुए भग्न संख्यार लव हर कौटा प्रकृत अपकृत भग्नांश ए विषय जानी छो सेटा आम वर्तमान आउ थे मन पकेबा एवं किछि ए भग्न संख्या संबंधी किछि आम अभ्यास प्रश्न समाधान करिबा एवं आम आउ थे मन पकेबा। वर्तमान आम स्टूडियो को जीवा यही अभ्यास कार्यर समाधान एवं आमर भग्न विषय कि मन पकड़ा क चित्र है ख ना देदे आमर के चित्र है चित्र आम पाखे अच्छे क चित्र आम नाम कर चित्र को कते भाग करा जाए छी गोटे चित्र अंकन कर एवं जोटा रंग कर तो आम देखा चित्र है अच्छी भग्न संख्या के भाग हो समान केते भाग एवं से केते भाग रे चित्र हो गणी देबा एक दुई तीन चार पाँच छ सात आठ नौ नौ भाग रु केते भाग रे चित्र अच्छी चित्रटा बर्तमान गणवा आम देख एक दुई तीन भाग रु चार भाग नौ भाग रु चार भाग आमर क चित्र रे चित्रित कराई एवं एठारे आगर तुम जान वर्तमान देखा आम लब के लब के अच्छे लब है चार एवं हर है नौ रखा एपुर चित्रटा अंकन कर एवं सारिणटा मध्य संगे संगे पूरण कर वर्तमान आम जीवा ख चित्र को भग्न संख्या के ख चित्र पर तुम्हें निजे मध्य गोटे खातार चित्र अंकन कर एवं भग्न संख्या ख जगार लेख केते भाग रु केते भाग केते भाग होई छी एवं केते भाग रु केते भागटा रंग होई छी कणी देवा केते हला एक दुई तीन चार चार आठ आठ समान भाग हो आठ समान भाग रु केते भाग रे चित्र हो तीन भाग
आठ भाग रु तीन भाग अच्छी रंग एवं एठार लब के लब हला इनी एवं हर हला हर के आठ ताकु तीन विभक्त का आठ। वर्तमान आम जा चित्र को चित्र पर गोटे चित्र अंकन कर एवं ताकु भग्न संख्यार लेख देखा ग चित्र रे भग्न संख्या केते हेब केते भाग होई समान होई एक दुई तीन चारि भाग चारि भाग रु केते भाग रे रंग अच्छी चारि भाग रु दुई भाग रे रंग आम लिखा दुई विभक्त क चारि ताले एठारे लब केते लब हला दुई एवं हर हला चारि घ चित्र को जीवा भग्नांश रे केते हेबो केते भाग होई एक दुई तीन चारि पांच 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 दस दस भाग अच्छी दस भाग रु केते भाग रंग होई तीन भाग कहवा तीन विभक्त क दस एठारे लब केते हला लब हला तीन एवं हर हला चित्र को जीवा केते भाग होई देखिबा केते भग्न होई एक दुई तीन चारि पांच छ सात आठ भाग आठ भाग रु चित्र होई केते भाग चारि भाग एठारे लब हला चारि एवं सर हला पंच को जीवा क्षेत्र को केते भाग कर पड़ी देवा एक दुई तीन चार पांच छ सात सात तेरी एक भाग केते भाग रंग अच्छी एक दुई तीन चार पांच छ सात आठ भग्न आम लिखला न विभक्त एक लब है न एवं हर है एक समस्त कर सर लिख लेबुलटा प्रथम आम आम अभ्यास देखा समान आकार पांच टी कलम रु जदि तीन टा कलम नेबा तारे ताकु भग्न संख्या रे केते लिखिबा मैं नौ छु तीन टी अच्छे केते टी समान आकार रो पांच टी ते लिखिबा तीन विभक्त क पांच तापर समान आकार रो सात टी सात गोटी पेंसिल रु चार टी पेंसिल हेबो केते भग्न हेबो सातटा अच्छी से चार मन कर जन ना आम चार हिसाब कला के चार विभक्त क सात नौ जन पिला नौ जन पिला मध्यरु पांच जन पिला हेब भग्नांश रे पांच विभक्त क नगला आम भग्न हिसाब से जान लो केते टा अच्छी केते टा आमे नेला ताकु आमे भग्न संख्या रे प्रकाश कला।
ବର୍ତ୍ତମାନ ନିମ୍ନ ଭଗ୍ନାଂଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖ ଏବଂ ନିଜେ ଟିପି ରଖ। କେତେ ଲେଖା ହେଇଛି? ଏକ ବିଭକ୍ତକ ଦୁଇ, ଦୁଇ ବିଭକ୍ତକ ତିନି, ତିନି ବିଭକ୍ତକ ଚାରି, ଏକ ବିଭକ୍ତକ ପାଞ୍ଚ, ତିନି ବିଭକ୍ତକ ପାଞ୍ଚ। ଆମର ପାଞ୍ଚଟି ଭଗ୍ନାଂଶ ଏଠାରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ସେଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ବାଛିବା? ଏକକ ଭଗ୍ନାଂଶ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆମେ ଦେଖିବା। ଏଇ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚଟି ଭଗ୍ନାଂଶ ଅଛି ସେ ଭିତରୁ କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆମର ଏକକ ଭଗ୍ନାଂଶ ବା ଏକକ ଭଗ୍ନାଂଶ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆମେ ଦେଖିବୁ। ଏଠାରେ କହିଛି, ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଭଗ୍ନାଂଶର ଭଗ୍ନାଂଶ ଗୁଡ଼ିକର ଲୋଭ କେତେ କେତେ ହୋଇଥିବ? ଲୋଭ ଏକ, ମନେ ରଖ। ଏବଂ ଆମେ ଲୋଭ ହର ଜାଣିଛୁ, ଗୋଟେ ହେଲା ଲୋଭ ହେଲା ହର। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଭଗ୍ନାଂଶର ଲୋଭ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲୋଭ ଏକ ଥାଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଏକକ ଭଗ୍ନାଂଶ। ତାହେଲେ କେଉଁ କେଉଁ ଭଗ୍ନାଂଶରେ ଲୋଭ ଏକ ଅଛି? ଏକ ବିଭକ୍ତକ ଦୁଇ ଏବଂ ଏକ ବିଭକ୍ତକ ପାଞ୍ଚ। ଏ ଦୁଇଟି ଭଗ୍ନାଂଶରେ ଆମର ଲୋଭ ଅଛି ଏକ। ଆମର ହେଲା ଏକ ବିଭକ୍ତକ ଦୁଇ ଏବଂ ଏକ ବିଭକ୍ତକ ପାଞ୍ଚ। ଏହିପରି ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଏକକ ଭଗ୍ନାଂଶ କୁହାଯାଏ। ତ ଆମେ ଏଥିରୁ ଜାଣିପାରିଲା, ଏଟା ଆମର ଟିପି କରି ରଖ, ଏକକ ଭଗ୍ନାଂଶ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, କେଉଁ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାର ଲୋଭ ଏକ ତାକୁ ଆମର ଏକକ ଭଗ୍ନାଂଶ କୁହାଯାଏ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲ ଏକକ ଭଗ୍ନାଂଶ, ଯେଉଁ ଭଗ୍ନାଂଶ ଆମେ ପାଇବା ସେ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଏକକ ଭଗ୍ନାଂଶ ହେବ? ଯାହାର ଲୋଭ ଏକ ଥିବ। ଏହି ଏକକ ଭଗ୍ନାଂଶକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଏହି ଭଗ୍ନାଂଶକୁ, ଯେଉଁ ଆମର ଭଗ୍ନାଂଶ ଅଛି, ପ୍ରଥମ ଭଗ୍ନାଂଶ ହେଲା ପାଞ୍ଚ ବିଭକ୍ତକ ଆଠ, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଏକକ ଭଗ୍ନାଂଶର ସମଷ୍ଟି, ସମଷ୍ଟି ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତ୍ରଣ ମିଶି ମିଶି କରି ଥିବ। ଏକ ବିଭକ୍ତକ ଆଠକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଏକକ ଭଗ୍ନାଂଶର ସମଷ୍ଟି ରୂପେ ଆମେ ଲେଖିବୁ। ରଖ, ଦେଖ ଲେଖା ହେଲା ଆମର ଭଗ୍ନାଂଶଟା ଅଛି କେତେ? ପାଞ୍ଚ ବିଭକ୍ତକ ଆଠ। ତାକୁ କିପରି ଆମେ ଏକକ ଭଗ୍ନାଂଶର ସମଷ୍ଟି ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରିବା? କେତୋଟି ଏକ ହେଲେ ପାଞ୍ଚ ହେବ? ପାଞ୍ଚଟି। ତେଣୁ ଆଠ ଭାଗରୁ ଏକ ଭାଗ, ଆଠ ଭାଗରୁ ଏକ ଭାଗ, ଏପରି କେତେଟା ହେବ? ପାଞ୍ଚଟି। ଏକ ବିଭକ୍ତକ ଆଠ, ଏକ ବିଭକ୍ତକ ଆଠ, ଏକ ବିଭକ୍ତକ ଆଠ, ଏକ ବିଭକ୍ତ ଆଠ, ଏକ ବିଭକ୍ତ, ଏପରି ପାଞ୍ଚଟି ଯଦି ଭଗ୍ନାଂଶ ହେଲା ତାର ସମଷ୍ଟି ହେଇଯିବ ସେଇ ଆଠ ଭାଗରୁ ପାଞ୍ଚ ଭାଗ। ଯଦି ସମସ୍ତକୁ ଆମେ ମିଶେଇଦେଲା, କିନ୍ତୁ ଆଠ ଭାଗରୁ ନେଉଛୁ ଏକ ଭାଗ, ପୁଣି ଆଠ ଭାଗରୁ ଏକ ଭାଗ, ମୋଟରେ ଆମେ କେତେ ନେଲା? ଆଠ ଭାଗରୁ ସମଷ୍ଟି କଲା, ମିଶେଇଦେବା, ତାହେଲେ ହେଇଯିବ ସମଷ୍ଟି ରୂପେ ଲେଖା ହେଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକକରେ ପ୍ରକାଶ, ଏକକ ଭଗ୍ନାଂଶରେ ପ୍ରକାଶ କଲା ଏବଂ ତାର ସମଷ୍ଟି ଯୋଗ କଲ ପାଞ୍ଚ ବିଭକ୍ତକ ଆଠର, ଏଟା ଏକକ ଭଗ୍ନାଂଶର ସମଷ୍ଟି ରୂପେ ଆମେ ଏହିପରି ଲେଖିବ। ସେହିପରି ସାତ ବିଭକ୍ତକ ଦଶ ଅଛି, ଏପରି ଆମେ ସାତ ବିଭକ୍ତକ ଦଶର ଏକକ ଭଗ୍ନାଂଶର ସମଷ୍ଟି ରୂପେ ଏହିପରି ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। କେତୋଟି ହେବ? ଏକ ବିଭକ୍ତକ ଦଶଟି, ଏପରି ସାତଟି ହେଲେ ଯାଇକରି ଆମର ସାତ ବିଭକ୍ତକ ଦଶ ହେବ। ତେଣୁ ସାତ ବିଭକ୍ତକ ଦଶକୁ ଏକକ ଭଗ୍ନାଂଶର ସମଷ୍ଟି ରୂପେ ଲେଖିଲେ ଏପରି ଆମେ ଲେଖି ପାରିବ। ଲେଖିଲ, ମନେ ରହିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ଉଦାହରଣଟେ। ଉଦାହରଣ କ'ଣ କରାଯାଇଛି? ନିମ୍ନସ୍ଥ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ କେତୋଟି ଏକକ ଭଗ୍ନାଂଶର ସମଷ୍ଟି ରୂପେ ଲେଖାଯାଇ ପାରିବ? ଚାରି ବିଭକ୍ତକ ନ ଅଛି,
केतोटी एकक भग्नांशर समष्टि हेबो तार अर्थ केतोटी एक विभक्त क न हेबो एकक भग्नांश अर्थ सब एक थिबो केतोटी एक विभक्त क न तोपे आमे परि लेखि परिबा केतोटी हेबो एपरि भाबरे आमे चार विभक्त को न को हमें केतोटी केतोटी कोई संख्या को गुणित भाई एक दुई तीन चार चारोटी आमर एकक भग्नांशर समष्टि हेले आमर चार विभक्त को न हेबो सही परी पांच विभक्त को बार पांच विभक्त को बारटी बार को आम केतोटी एकक भग्नांशर समष्टि रूप लिखा सही परी पांच विभक्त बार पांच विभक्त को बार केतोटी हेबो पांच विभक्त बारर समष्टि केतोटी एकक भग्नांश हेले हेबो एकक भग्नांश अर्थ लब सगुले रहिबो एक यदि ए समस्त को मिसाइ देबा तार मूल्य हे जइबो पांच विभक्त क बार तले केतोटी हेला ए परिमाण को आम लिखा केतोटी है पांच टी पांच विभक्त को बारे पांच टी एकक भग्नांशर समष्टि आम पाइपर पाने तुम आगर पढ़ी छो भग्नांशर क्यों क्या प्रकृत भग्नांश कहुए एवं प्रकृत भग्नांश एवं अपकृत भग्नांश प्रकृत भग्नांश अर्थ गोटे आम पूर्ण जिनस को समान भाग कर आम किसी भाग नहीं पार अपकृत केत हुए जिते बेले पूर्ण जिनस थाए एवं ता सहित एक हो बा दुईटी हो पूर्ण जिनस थी ता संगे कि भग्न मिशी थे जी अपकृत हो ताले यही सारे यही भग्नांश गुड़ी को लेख सब ठीक से भितर आम बाछवा क्या गोटा प्रकृत भग्नांश और क्या गुड़िक अपकृत भग्नांश लिख लिखा प्रथम अच्छे तीन विभक्त क पांच आ गोटे आम संक्षेप जानवा आमर कटा हूँ लब एवं यहाँ हूँ हर यही प्रकृत भग्नांश कौन होता है लब सब हर ठार से बाछीपर तो तीन विभक्त को पांच एठार लब है तीन हर है पांच तेनालीराम कह प्रकृत भग्नांश प्रकृत भग्नांश को आम एठार लिखिदे विभक्त को पांच तीन विभक्त पांच है गोटे प्रकृत भग्नांश आ क्यों अच्छे प्रकृत भग्नांश निजे निजे देखिक टीप आ गोटे अच्छी आमर पांच विभक्त कारे मैं देख हर कौन है लब ठारू बड़ अच्छी बा लब हर ठारू सान अच्छी
आ गोटे है एक विभक्त क दुई आ गोटे है विभक्त क सात आ गोटे है पांच विभक्त क एगुड़ी है आमर प्रकृत भग्नांश प्रकृत फलांश एथर आम चिन्ह पारा जार लोभ ये लोभ गुड़िक हर ठार कौन थी शांत थी बाकी जहा रहा अन्य गुड़िक हूँ अपकृत भग्नांश जपरी सात विभक्त चारि चारि विभक्त तीन एगार विभक्त पांच अठर विभक्त एगार एगुड़िक हूँ तो भग्नांश आगर पढ़ी छ अभ्यास करवा टे मन पकड़ देख थे कौन कर कतोटी अंक लेखा कौन कौन लेखा चार पांच छ सत आठ आई संख्या अंक मानक मध्य दुईट लेखाएं व्यवहार कर एपरी भग्न संख्या मान लेख जार लब हर अपेक्षा कौन हो लबटा हर ठारू कम हो आम दुईट संख्या नवा मनकर मु नी छ आमर लब हर अपेक्षा दुई कम तार अर्थ लब दुई कम थी हेल्ले हर कौन है दुई बेसी हे हर लिखिली आठ आ गोटे नाला आम मन कर चारि लब चारि अच्छी हर ताठार कौन है दुई बेसी हे हर संगे केते लिखा देख टीपी नि निजे कर चारि विभक्त क आ गोटे नौ बाकी तुम्हें निजे अभ्यास कर आम नहींगला सत लब है सत कहीं हर कौन है ठारू दुई बेसी कौन लिखा सतर दुई बेसी है नपरी जदि प्रश्नटा पड़े तुम्हें एक अभ्यास कर आउ हे निजे निजे घरे अभ्यास कर देख गोटे चित्र अच्छी चित्र सामान आकार कते फुल अच्छी तीन तीन छ तीन नौटी नौ ये छोट कोठरी कतोटी फुल अच्छी चार आम भग्नाश लिखले कौन लिखिपर चार विभक्त नपरी अच्छी आ गोटे आमर कमला से नौटी अच्छी नौटी कमलारू कतोटी कमला छोट कोठरी अच्छी चारिटी आम मोट के अच्छे सामान से आम कतोटी नाला परवर्त संख्या रेखा देख संख्या रेखा सह तुम आगर परिचित अच पूर्व अध्याय तुम संख्या रेखा उपर शून एक दुई तीन आदि संख्या को दर्शाई छो बा केउठारे शून एक दुई तीन चार लेखा जाए जानी छो एई संख्या रेखा कौन है संख्या रेखा हूँ गोटे एक सरल जो संख्या रेखा नमा ता हूँ गोटे सरल रेखा आम सरल रेखा काटा से आम संख्या
देले आमे सरल ताकु कहू संख्या संख्या रेखा होची एक सरल रेखा आगे कौन करा जाए एही रेखा उपरे समान दूरत रे बिंदु मान चिन्हित करा जाए जो रेखाटे हेबो प्रथम आमे शून्य रु जदि आरंभ करिबा शून्य रु एक जेते दूर एक रु दुई सेतिकी दूर रखिबो तार दूरता समान रखिबा एटा गोटे आमर मुख्य जिनिस संख्या रेखा उपरे समान दूरत रे आमे बिंदु मान चिन्हट करिले तार नामकरण करिबा पाखापाखी प्रत्येक जोड़ा बिंदु मध्यवर्ती सरलरेखा अंश को गोटे एकक रूपे निया जाए एकक सेंटीमीटर हो पारे मीटर हो पारे किलोमीटर हो पारे जे कोनो गोटे आम एकक हिसाब रे नेबा संख्या रेखा उपरे चिन्हित बिंदु गुड़िक गोटे सीधा रास्ता कड़े थिबा किलोमीटर खुंट भली जदि रास्ताटा पूरा सीधा अच्छी गोटे सरल रेखा पड़ी ताले आमर खुंटा पोता जाए एक किलोमीटर दुई किलोमीटर दूरता तीन किलोमीटर दूरता सहीपर आम संख्या रेखा रे मध्य सही रास्तार सरल सरल रेखार रेखा पूरी थी गोटे रास्तार किलोमीटर खुंट पर चिन्हट करा जाए पाखापाखी थिबा दुईटी किलोमीटर खुंटी मध्यवर्ती रास्तार दैर्घ्य हूँ एक किलोमीटर थाए देखी छ किलोमीटर खुंट पोता जाए सहीपरि संख्या उपरे रेखा उपरे पाखापाखी दुईटी मध्यबिंदु दूरता होउछि एक एकक सेटा आमे जदि अंकन करिबा एक सेंटीमीटर होइ पारे एक मीटर होइ पारे एक किलोमीटर होइ पारे वर्तमान जे खाता धरी एहिपरि गोटे सरेखा अंकन कर सरेखाटे अंकन कर प्रथम गोटे चिह्नट कर तार ना दे दियो ए ए रु बी ए ठारु बी रो दूरता मन कर आमे नै गेला 2 सेंटीमीटर पहले ठारु बी लिखला बी ठारु सी हेबो से 2 सेंटीमीटर जदि जे नौ छ 4 4 नै पारो सब जगह रे दूरताटा समान रखिबो ए ठारु बी रो दूरता जति कि बी ठारु सी रो दूरता सेत कि रहबो सी ठारु डी रो दूरता सेत कि डी ठारु ई रो दूरता बर्तमान देख ए ओ बी आमर है मन कर 2 सेंटीमीटर एठारु बी होछे जदि आम 2 सेंटीमीटर रे बी चिन्हट करिछु जगार चिन्हट कला बी ताको आमे जदि 2 भाग करि देबा हले ए जो एम चिन्हट होइछि एटा 2 भाग हला एठारु एम गुटे एम ठारु बी गुटे भाग हला एम ठारे एही जन हला एही जगाटा कोन एही स्थान को कोन कहिबा 2 भाग रु केते भाग नेला भाग रु गुटे भाग तब कहा जाए एक विभक्त को 2 सही पर हमें संख्या रेखा रे अनेक भग्नांश हमें जदि 3 विभक्त को 4 को एठारे सूचित करिबा हेले कौन करिबा ए ठारु बी को केते भाग करिबा 4 भाग कह जइबो 4 भाग रु 1 भाग एठा लिखिबा 1 विभक्त को 4 जगाटा हला 2 विभक्त को 4 एवं ए स्थानटा हला 3 विभक्त को 4 एवं एटा हला 4 विभक्त को 4 बा पूर्ण संख्या पूर्ण जिनिस जदि आमको कहगला जे 3 विभक्त को 4 को संख्या रेखा रे सूचित कर ताले एपरि आमे ए जो 0 ठारु 1 अछि ताको समान 4 भाग कर देबा आउ 3 भाग नेबा त केउ ठारे सूचित हो एपरि नै करी सूचित करबा जे 3 विभक्त के 4 वर्तमान जदि आमको कहगला एक पूर्ण एक विभक्त 2 को संख्या रेखा रे चिन्हट करा जाउ चिंता करो एक पूर्ण एक विभक्त को 2 प्रथम गोटे पूर्ण थी एवं आउ गोटे पूर्ण रुई भाग रु समान 2 भाग रु भाग ने पूर्ण एक है के एक पूर्ण
ଏହାର ପରେ ଏଇ ଏକ ଠାରୁ ଦୁଇ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ କେତେ ଭାଗ କରିବା ଭାଗ କରିବା ଏଠାରେ କରିବ ନାହିଁ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାର ଅର୍ଥ ଏହି ଯେଉଁ ଭଗ୍ନାଂଶଟା ସୂଚିତ କରିବା ଏହା କାହା ପାଖରେ ଥିବ ଏହି ସୂଚିତ ଭଗ୍ନାଂଶଟି ଏକ ଏବଂ ମଧ୍ୟରେ ରହିବ ତାହେଲେ ଏକ ଦୁଇକୁ ଏକ ଦୁଇର ସୂଚିତ ଚିହ୍ନକୁ କେତେ ଭାଗ କରିବା ଦୁଇ ଭାଗ କରିବା ହେଲା ଦୁଇ ଭାଗ କରି ଭାଗେ ଏକ ବିଭକ୍ତ ଦୁଇ ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ସୂଚିତ କଲା ତାହେଲେ ଏଇ ଶୂନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏଠାରେ ଦେବା ଏହି ସ୍ଥାନଟି ହେଲା ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ବିଭକ୍ତକ ହେଲା ପିଲାମାନେ ଏପରି ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ରେଖାରେ ବିଭିନ୍ନ ଭଗ୍ନାଂଶକୁ ସୂଚିତ କରିପାରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ତୁମେ ଆଜି କିଛି ଅଭ୍ୟାସ କଲ ମନେ ପକାଇଲ ତ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା ତୁମମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗାର୍ଲ ହାଇସ୍କୁଲ ଲହନାର ଏକ ନମ୍ବର କୋର ପ୍ରଶ୍ନଟା କହିଲ ତିନ ବିଭକ୍ତକ ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ଠିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଭଲ ମନେ ରଖିଛ ଛଅ ନମ୍ବର କଣ କହିଛି ପ୍ରଶ୍ନଟା ଟିକେ ଆଉ ଥରେ ପଢି ନିଅ ହରବର କରିବ ନାହିଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଢିବ ତାର ଉତ୍ତରଟା ଦେଖିବ ଏଠାରେ ଦୁଇ ବିଭକ୍ତ ପାଞ୍ଚ ର ହରଟା ଲବ ଠାରୁ କେତେ ଅଧିକ ଏ ଯେଉଁ ହର ଅଛି ଏ ହର ହଁ ତିନ ଅଧିକ କୋଉ ନମ୍ବର କହିଲ ଆଠ ସମାନ ଭାଗରୁ ତିନି ଭାଗ ଆଠ ସମାନ ଭାଗରୁ ତିନି ଭାଗ ତିନି ଭାଗ ହଁ ଠିକ ମନେ ରଖିଛ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯିବା କଣ ହେଇଛି ଖ ଗ ଘ ଏପରି ଚାରିଟି ଚିତ୍ର ଅଛି ଦୁଇ ବିଭକ୍ତ ଗଛ ଦୁଇ ବିଭକ୍ତ ଗଛ ହଁ ଏଠାରେ ଲେଖିବା କଣ ଲେଖିବା ଦୁଇ ବିଭକ୍ତ ଗଛ ଦୁଇ ବିଭକ୍ତ କ ଛ ଛ ନମ୍ବର ଟା ନା ତିନ ବିଭକ୍ତ ତିନ ବିଭକ୍ତ କ ନ ତିନ ବିଭକ୍ତ କ ନ ହେଲା ଧନ୍ୟବାଦ ବିଭକ୍ତ କ ଚାରି ବିଭକ୍ତ କ ଆଠ ଦଶ ବିଭକ୍ତ କ ପାଞ୍ଚ ବିଭକ୍ତ କ ପାଞ୍ଚ କତ ଦେଇଛି ପାଞ୍ଚ ବିଭକ୍ତ କ ଦଶ ପାଞ୍ଚ ବିଭକ୍ତ କ ଦଶ ବିଭକ୍ତ କ ଦଶ ପାଞ୍ଚ ବିଭକ୍ତ କ ଦଶ କେଉଁଟା ଘ ନମ୍ବର ଧନ୍ୟବାଦ ପାଞ୍ଚ ବିଭକ୍ତ କ ଦଶ ତାହେଲେ ଏପରି ତୁମେ ଚିତ୍ର କରି କେତେ ଅଂଶ କେତେ ଅଛି ଲବ କେତେ ହର କେତେ ଏଠାରେ କହିଲ ଲବ ହର ଠାରୁ କେତେ ବେଶୀ ଲବଟା ଭୁଲ ହେଲା ଲବ ଆମର ସ୍ଥାନ ଥାଏ ଏଇ ହରଟା ଲବ ଠାରୁ କେତେ ବେଶୀ ଲବ କେତେ ହର କେତେ ଏବଂ ହର କେତେ ଅଧିକ ଛଅ ଅଧିକ ଛଅ ଅଧିକ ଧନ୍ୟବାଦ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉ ନମ୍ବର ଯିବା ଏଠାରେ ଲବ ହର ଲବ ଲବଟା ହର ଠାରୁ କେତେ କମ ମୁଁ କଣ କହୁଛି ପ୍ରଶ୍ନଟା ବୁଝିନିଅ ଲବ ହର ଠାରୁ କେତେ କମ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଭଲ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ ଖାଲି ପାଞ୍ଚଟା ରଖିଛ ମୁଁ କହୁଛି ଏ ଲବ ଲବ ହର ଠାରୁ କେତେ କମ
पांच कम से पांच अधिक नहीं लब हर थारु पांच कम देख पे सब ठीक भले उत्तर दल तुमको धन्यवाद बर्तमान घरे चित्र काट चित्र अंकन कर जोठार जी अच्छी आमर चित्रित करी काली आमर खाता रे आनिबो हला एपरी चित्रटा अंकन करिबो एवं जति अंश अछि चित्रित बाकु ताकु चित्रित करी आनिबो धन्यवाद।